everyone. Today in this video, we will just talk about the writing section of plus two grade and that is letter writing. तो letter writing के बारे में आज हम बात करेंगे. Usually third, fourth standard से जो है वो हमारा application writing start हो जाती है. Sicklib है, urgent piece of work है, फिर then हम 9th, 10th में आते हैं तो हमें marriage leave भी ये सारे letters रहते हैं, है ना. लेकिन जब हम प्लस वन एंड प्लस टू ग्रेड में आ जाते हैं, आज मैं प्लस वन एंड प्लस टू ग्रेड की ही बात करूंगी, तो बोर्ड एग्जाम्स में जो हमारे यूजुअली लेटर्स रहते हैं वो आपका या तो फॉर्मल लेटर होगा या इनफॉर्मल होगा. मैक्सिमम फॉर्मल लेटर रहते हैं तो उसके बारे में भी बात करूंगी. तो जो आपका प्लस वन एंड प्लस टू ग्रेड में जो लेटर राइटिंग का क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में, वो होता है आपका 8 मार्क्स का. तो 8 मार्क्स में से मान लीजिए किसी बच्चे को लेटर आता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उस लेटर को आप जो है वो स्किप कर देंगे, आप नहीं लिखेंगे. कुछ पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जिसको यूज करके, उन टिप्स को फॉलो करके आप 8 में से 4 या 5 मार्क्स इजीली हर एक स्टूडेंट जो है वो ले सकता है. तो करते हैं वीडियो को शुरू. यस, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेटर्स की. तो कितने तरह के लेटर्स हैं? 2 टाइप्स के हमारे लेटर रहते हैं. फर्स्ट वन इज फॉर्मल लेटर, सेकंड वन इज इनफॉर्मल लेटर. तो जो फॉर्मल लेटर है हमारा, उसे हम ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं, और जो इनफॉर्मल है दैट इज पर्सनल लेटर. तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल लेटर की. जो फॉर्मल लेटर है यानी कोई भी लेटर, वर्ड से पता चल रहा है, ऑफिशियल लेटर वर्ड से पता चल रहा है कि कोई भी लेटर जब हम ऑफिशियल पर्पज से लिख रहे हैं दैट इज फॉर्मल लेटर. ओके, इनफॉर्मल लेटर, इसको हम पर्सनल लेटर भी कह रहे हैं, यानी जो लेटर हम अपने ब्रदर को, सिस्टर को, फादर को, मदर को, फ्रेंड को, कि कोई भी पर्सनल लेटर जब हम लिख रहे हैं वो हमारा कौन हुआ? इनफॉर्मल लेटर. ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि जो फॉर्मल लेटर है वो यूजुअली कौन कौन से जो डेजिग्नेशंस रहती हैं या जो भी आपके ऑफिसेज हैं, कौन से ऑफिसेज के लिए जो लिखा जाता है. तो यहां पे मैंने 5 और 6 एग्जांपल्स ही लिए हैं, और जरूरी नहीं है कि इन्हीं को ही लिखा जाएगा. जो भी लेटर, मैंने पहले भी बोला, जो भी लेटर ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाएगा वो आपका फॉर्मल लेटर ही होगा. ठीक है, तो यहां पर जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, एडिटर, मान लीजिए आप विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर यू जस्ट वॉन्ट टू कन्वे योर मैसेज टू द पब्लिक. आप पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं न्यूज़पेपर में एक अपना लेटर के माध्यम से, तो वो लेटर आप किसको एड्रेस करेंगे? एडिटर को एड्रेस करेंगे. ठीक है, मान लीजिए आप जो है वो पालमपुर से बिलोंग करते हैं. ठीक है, अब ये जो मेयर होगा, ये जो होगा, वो कहां पे होगा? गांव में तो होगा नहीं, वहां पे तो आपका कौन होता है? प्रधान होगा. ठीक है, मान लीजिए आप जो है वो पालमपुर से बिलोंग करते हैं और आपको लग रहा है कि आपका जो वहां पे सैनिटरी कंडीशंस हैं वो सही नहीं है, तो आप जो एक लेटर लिखेंगे, आप चाहते हैं वहां पे इंप्रूवमेंट, तो आप उस इंप्रूवमेंट को लाने के लिए जो लेटर लिखेंगे वो पड़ोसी को तो लिखेंगे नहीं, किसको लिखेंगे? मेयर को लिखेंगे सबसे पहले, है ना. तो ये लेटर भी किसमें आएगा? आपका फॉर्मल लेटर में. यानी जब भी आप अपनी कोई कंप्लेन करना चाहते हैं किसी हायर अथॉरिटी के साथ, वो भी आपका क्या रहेगा? फॉर्मल लेटर रहेगा. देन डायरेक्टिव, मान लीजिए आप जो है वो किसी स्कूल में टीचर हैं, तो आप जो है वो अपने डायरेक्टर को एक लेटर लिखना चाहते हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है वो, तो वो भी आपका क्या है? ऑफिशियल लेटर है, मीन्स वो भी आपका फॉर्मल लेटर है. मैनेजर, मान लीजिए आपको लोन लेना है, बैंक में आपको लोन लेना है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि जाएंगे और बोलेंगे कि हां जी मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, वो ऐसे थोड़ी ना दे देंगे. फर्स्टली आप क्या करेंगे वहां पे, आप लेटर लिखेंगे, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि मुझे जो है वो इस पर्टिकुलर रीजन से जो है वो लोन चाहिए, फिर आपका सारा फॉर्मेलिटीज होगी. तो जो लेटर लिखा जाएगा बैंक मैनेजर को, वो बैंक मैनेजर भी हो सकता है, कोई भी मैनेजर है, वो भी आपका फॉर्मल लेटर में आएगा. आप डीसी को कोई लेटर लिखते हैं, वो भी आपका किस में आता है? फॉर्मल लेटर में आता है. एसपी को लिख रहे हैं आप, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को आप लिख रहे हैं, वो भी आपका फॉर्मल लेटर है. ठीक है, ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं. फॉर्मल तो हमने बता दिया, ऑफिशियल पर्पज से जो भी लेटर हम लिख रहे हैं वो आपका फॉर्मल है. इनफॉर्मल का लिटिल बिट में यहां पर सिर्फ एक छोटा सा आपको
नॉलेज दे रही हूँ कि जो इनफॉर्मल लेटर रहता है वो फ्रेंड को, फादर को, या ब्रदर को, सिस्टर को, मदर को, ठीक है, किसी को भी जब हम अपने फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में कोई भी लेटर लिख रहे हैं वो आपका इनफॉर्मल रहेगा, ठीक है। फॉर्मेट देखते हैं फॉर्मल लेटर का। इन दिस वीडियो आई विल जस्ट ओनली टूडे आई विल टेल यू अबाउट द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर ओनली। मैं इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की बात आज नहीं करूंगी, यहां पे सिर्फ मैं आपको फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के बारे में ही बता रही हूं। तो सबसे पहले जो फॉर्मेट रहता है फॉर्मल लेटर का वो क्या रहता है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेंडर एड्रेस लिखना है। अब सेंडर कौन हुआ, जो लेटर को भेज रहा है। मान लीजिए मैं जो हूं वो अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रही हूं, तो मैं कौन हुई, सेंडर हुई। तो यहां पे सबसे पहले किसका एड्रेस आएगा, सेंडर का एड्रेस आएगा, यानी मेरा एड्रेस यहां पे आएगा। आफ्टर दैट आपकी डेटेड आएगी, लेकिन डेटेड लिखने से पहले आप यहां पे एक लाइन का स्पेस जरूर छोड़ेंगे, ये आपके फॉर्मेट में ऐड होगा। अगर आप डायरेक्टली लिख देंगे, पहले यहां पे लिख दिया, कोई स्पेस नहीं छोड़ा, डेटेड भी लिख दिया स्पेस नहीं छोड़ा, रिसीवर का एड्रेस लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस लिख दिया हमने, एक लाइन का स्पेस छोड़ा, डेटेड लिख दी, डेटेड कौन सी लिखेंगे आप, जो भी करंट होगी। मान लीजिए जैसे आज जो है वो 30th of March है, ठीक है, तो मैंने मान लो मैं आज लेटर लिख रही हूं, तो मैं यहां पे आज की डेट लिखूंगी, समझ गए। उसके बाद आप फिर से एक लाइन का स्पेस जो है वो क्या करेंगे, यहां पे छोड़ेंगे। फिर आपका रिसीवर का एड्रेस आ जाएगा। अब ये रिसीवर कौन है, रिसीवर कौन है, मेरे प्रिंसिपल जिसको मैं लेटर सेंड कर रही हूं, रिसीव वही करेंगे, तो यहां पे किसका एड्रेस आएगा, रिसीवर का, यहां पे लिखा जाएगा द प्रिंसिपल एबीसी स्कूल, ओके। तो सबसे पहले आ गया सेंडर का एड्रेस, और ये चीज आपको कहां पे मिलेगी, क्वेश्चन जो गिवन होगा आपको एग्जाम में, उसमें ही आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि यहां पे सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, तो ये चीजें आपको क्वेश्चन से मिलने वाली है। तो आप इस चीज को ये देख के कि आपको लेटर आता नहीं है और आप नहीं करेंगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये भी चीज आपको फ्री में मिल रही है क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। डेटेड आपको पता है कौन सी डेट को आपका एग्जाम है, वही डेट यहां पर लिखनी है, बस छोटा सा याद रखना है हमने यहां पर लाइन छोड़नी है, ठीक है। डेट लिख दी, डेट के बाद फिर एक लाइन छोड़ी, रिसीवर का एड्रेस लिख दिया, वो भी हमें कहां पर मिल रहा है, क्वेश्चन में मिल रहा है, हमने फिर यहां पे एक लाइन छोड़ दी। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, सैल्यूटेशन लिख दी। सैल्यूटेशन क्या हुआ आपका, डियर सर या डियर मैम जो आप लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड सैल्यूटेशन, यानी सैल्यूट करते हैं ना। तो जो डियर सर और डियर मैम लिखेंगे वो हम किसके बाद लिखेंगे, रिसीवर्स के एड्रेस के बाद, समझ गए। यूजुअली क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं फिर सैल्यूटेशन लिखते हैं, लेकिन ये चीज जो है वो चेंज हो चुकी है, तो अब जो है वो सैल्यूटेशन आपकी ऊपर रहती है और सब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है। तो सबसे आप पहले आपने लिख दिया सेंडर एड्रेस, डेटेड, रिसीवर, सैल्यूटेशन, लाइन छोड़ दी, फिर आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा वो भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, इविल ऑफ डायरी सिस्टम हो सकता है, प्रॉब्लम ऑफ ईव टीजिंग हो सकता है, सैनिटरी कंडीशंस की प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी क्वेश्चन में हो। तो हमारे पास देखिए कितने सेंटेंसेस जो थे वो हमें फ्री में मिल गए, सेंडर एड्रेस मिल गया, डेटेड मिल गई, रिसीवर एड्रेस हमें क्वेश्चन में मिला, सैल्यूटेशन कुछ नहीं करना है, डियर सर या डियर मैम ही लिखना है, क्वेश्चन में दिया होगा कि आप जो है वो किसको लिख रहे हैं, नहीं भी पता है, पता नहीं चल रहा है तो डियर सर लिख दो, ठीक है। सैल्यूटेशन भी लिख दी, सब्जेक्ट भी लिख दिया, हमारे पास 5 जो वो थे फॉर्मेट के पॉइंट्स थे वो हमने फ्री में क्वेश्चन से देख लिए। डेफिनेटली इतना भी अगर आप लिख देते हैं ना तो आपको जो है वो एग्जामिनर ज्यादा मार्क्स नहीं देगा, तो 2.5 या फिर 3 मार्क्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे। तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो इस क्वेश्चन को लीव करके नहीं आएगा। सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद आती है हमारी बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर कैसे लिखें, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कि कौन से टिप्स हमें फॉलो करने हैं फॉर्मल लेटर को लिखने के लिए, क्योंकि यूजुअली आपको वर्ड एग्जाम में फॉर्मल लेटर ही रहता है। ऐसा नहीं है कि जरूरी फॉर्मली आएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, लेकिन साथ में इनफॉर्मल भी आ सकते हैं, पर मैंने जहां तक मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम मैंने देखे हुए क्वेश्चन पेपर्स, तो उसमें मैक्सिमम फॉर्मल लेटर आपको आता ही आता है।
तो यहां तक तो हो गया ना हमारा बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर जो होती है वो आपकी 3 to 5 पैराग्राफ्स में लिखी जाती है, पर यूजली 3 पैराग्राफ्स भी लिख देंगे दैट इज सफिशियंट. ओके, लास्ट में आपका थैंकिंग यू आ जाएगा, फिर आपका योर्स फेथफुली आ जाएगा, और इस तरीके से आपका लेटर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. सेंडर्स नेम, यस, योर्स फेथफुली के बाद आपका सेंडर्स नेम. सेंडर्स नेम कौन है, जो यहां लिखा हमने एड्रेस. तो मैंने यहां पे आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो मैं अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रही हूं, तो यहां मेरा एड्रेस आया, तो यहां पे नाम किसका आएगा, मेरा आएगा, और यहां पे किसका आया, जिसको मैं भेज रही हूं, यानी रिसीवर. तो देखते हैं आगे, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है यहां पे. मान लीजिए ये एड्रेस है, हाउस नंबर A126 सेक्टर 17 चंडीगढ़. अब एड्रेस इतना भी नहीं लिख देना है आपने कि 6-7 लाइंस ही हो जाए, 3 लाइन से ज्यादा आपका सेंडर का एड्रेस जो है वो नहीं होना चाहिए, ओनली 3 लाइंस. ज्यादा भी दिया है तो भी वहां से आप इंपॉर्टेंट जो एड्रेस के लग रहा है आपको कि ये हमें उठाना चाहिए, उसको उठा के आप एड्रेस खुद बनाएंगे, और यहां पे 3 लाइंस में ही ये कंप्लीट होगा, इससे ज्यादा आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे. लाइन छोड़ने को मैंने बताया था, लाइन मैंने छोड़ दी, आप भी छोड़ेंगे. डेटेड आ गई, सेंडर एड्रेस आ गया, लाइन छोड़ दी, डेटेड आ गई मेरी यहां पे. अब डेटेड तो आ गई, लिखने का भी जो है वो एक क्या है, हमारे पास पैटर्न है. डेटेड लिखी जाएगी तो कैसे लिखी जाएगी, 30th March 2021. अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि मैं ऐसे लिख दूंगा, दिस इज टोटली रॉन्ग, ऐसे नहीं लिखी जाएगी. डेटेड जो रहेगी आपकी वो ऐसे ही लिखी जाएगी जैसे मैंने यहां पे लिखी है. या तो आप ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर लो 13 मार्च 2021 या फिर मार्च 13, लेकिन फिर यहां पे कॉमा आएगा. ये दोनों आप फॉलो कर सकते हैं. इस तरीके से डेटेड कभी नहीं लिखी जाती है लेटर में. हो गया आपका सेंडर एड्रेस आ गया, लाइन छोड़ दी, डेटेड आ गई, हमने फिर यहां पे लाइन छोड़ी. अब किसका एड्रेस मैंने यहां पे लिखा, रिसीवर का. मान लीजिए मैं यहां पे एडिटर को लिख रही हूं, तो यहां पे ये कौन है, रिसीवर है, क्योंकि मेरा लेटर इनको जाएगा. द एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का, मान लेते हैं ट्रिब्यून का, कौन सा ऑफिस, चंडीगढ़. ठीक है, 3 स्टेप्स आपको समझ आगे आने चाहिए. सेंडर्स एड्रेस हर लेटर में यही होगा फॉर्मल में. टुडे आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द फॉर्मल लेटर. कोई भी फॉर्मल लेटर होगा उसमें ये 3 स्टेप्स सेम टू सेम रहेंगे. सेंडर एड्रेस, लाइन छोड़ दी, डेट लिख दी, देन लाइन छोड़ी, रिसीवर एड्रेस. फोर्थ स्टेप की बात करते हैं. मैंने बात की थी सैल्यूटेशन की, सैल्यूटेशन आ गई, डियर सर, डियर मैम. ओके, फिर हमने क्या छोड़ी, यहां पे भी लाइन छोड़ दी हमने, और ये आपको भी छोड़नी है. सब्जेक्ट लिख दिया, मान लीजिए मेरा जो सब्जेक्ट है, मुझे जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो ईबिल ऑफ डारी सिस्टम से आया है, तो मेरा सब्जेक्ट मैंने पहले भी बोला आप फुल सेंटेंस नहीं लिखेंगे, 4 to 6 वर्ड्स में ही आपका सब्जेक्ट जो है वो कवर होना चाहिए. समझ गए, इससे ज्यादा वर्ड्स को आप इंक्रीज नहीं करेंगे, यानी आपका 4 to 6 में ही आपका सब्जेक्ट कवर हो जाना चाहिए. तो मैंने लिख दिया ईबिल ऑफ डॉरी सिस्टम. एक और चीज यहां पे आप माइंड में रखेंगे कि जो सब्जेक्ट होगा दैट मस्ट बी अंडरलाइंड. कोशिश कीजिए इसको लिखो ही ब्लैक पेन से एग्जाम में, इस वाली चीज को, सब्जेक्ट, क्योंकि यहां से ही पूरा का पूरा आपका हाईलाइट हो रहा है कि आप कौन से पर्टिकुलर जो आपका इश्यू है, जो प्रॉब्लम है, किससे रिलेटेड जो है वो आप लेटर लिख रहे हैं. तो ये जो है वो आपका एक तो शॉर्ट होना चाहिए और आपका अंडरलाइंड होना चाहिए. यहां तक समझ में आ गया. ओके, आफ्टर दैट मैं लिख रही थी एडिटर को, तो एडिटर को जो लिख रही हूं, तो मेरी जो मैसेज में कॉन्वे करना चाहती हूं, मैं विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर करना चाहती हूं. तो एक चीज आप नोट डाउन कर लो कि जब भी एडिटर को लिखा जाएगा तो ये वाला जो पैराग्राफ मैंने लिखा है ये आप जरूर लिखेंगे.
ये आपको लर्न करना पड़ेगा थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। अब योर क्यों लिखा भाई मैंने यहां पे? क्योंकि मैं किसको भेज रही हूं लेटर? एडिटर को भेज रही हूं, तो वो योर इसलिए लिखा जा रहा है, ठीक है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज। मैं क्या कर रही हूं? न्यूज़पेपर की हेल्प से मैं किसका ध्यान जो हूं वो केंद्रित करवाना चाहती हूं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज। कौन सी कंसर्न्ड अथॉरिटीज? जो कौन से मुद्दे को देखते हैं? डॉरी सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो अथॉरिटीज इससे कंसर्न्ड है, उन तक ये मैं मैसेज पहुंचाना चाहती हूं। लेकिन कैसे? विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पे ये वाला सेंटेंस ऐड किया। मैं एक बार फिर बोल रही हूं, ये वाला सेंटेंस यहां तक तभी ऐड करेंगे अगर आप एडिटर को लेटर लिख रहे हो तो। समझ गए? मान लीजिए एडिटर को नहीं लिख रहे हो, आप डायरेक्टली किसको लिख रहे हो? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिख रहे हो, तो यहां तक लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो आप सीधा क्या लिखेंगे? आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द इविल ऑफ डॉरी सिस्टम, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क हो गया कि एडिटर को होगा तो आप ये लाइन फर्स्ट, मैंने बोला था थ्री पैराग्राफ्स में आप जो है वो इसका जो बॉडी होगी लेटर की उसको आप लिखेंगे। तो पैराग्राफ वन की मैं अभी बात कर रही हूं, एडिटर को लिखना होगा तो ये लाइन जरूर लिखेंगे। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द इविल ऑफ डॉरी सिस्टम। पैराग्राफ खत्म, फर्स्ट पैराग्राफ हमारा हो गया, इतना तो आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है। जब हमारा यहां तक आ गया तो हमने उसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट करना है वो नेक्स्ट लाइन से ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा भाई? कंटेंट आ जाएगा। कंटेंट क्या होगा? आपने थोड़ा सा किसके बारे में लिखना है, मैंने लिखा भी है कि जो आपका पैराग्राफ सेकेंड होगा, फर्स्ट में आपने इंट्रोडक्शन दे दी कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद हमारा पैराग्राफ सेकंड में कंटेंट आ गया। कंटेंट में क्या आएगा? डॉरी सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है कि डॉरी सिस्टम जो है वो एक क्या है, बहुत बड़ा स्टिग्मा है या फिर इंसल्ट ऑफ वुमेन है, शेम फॉर मेन है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ गए? तो यहां पे हमारा पैराग्राफ सेकंड आ जाता है। इसमें आपने तीन चार पांच लाइंस जो है वो उसके बारे में लिखनी है। फिर हमारा थर्ड पैराग्राफ जो आएगा उसमें आपका कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन कैसे आएगा? आई होप यू विल टेक नेसेसरी मेजर्स रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। कि मैं लेटर तो मैंने लिख दिया, मैंने प्रॉब्लम भी बता दी कि मैं कंसर्न अथॉरिटीज का ध्यान जो हूं वो इस पर्टिकुलर मुद्दे की तरफ अट्रैक्ट करना चाहता हूं, और फिर मैंने कंटेंट लिख दिया कि भाई ये दिक्कत है, डॉरी सिस्टम है, इसकी वजह से यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो हमारा सेकंड पैराग्राफ आ गया। थर्ड पैराग्राफ में मैं क्या लिखूंगी? उसको कंक्लूड करूंगी कि आई होप, मुझे पूरी आशा है कि डेफिनेटली जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं दे विल टेक द नेसेसरी स्टेप्स। समझ गए? मैंने लिखा है यहां पे, इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड कंसर्न अथॉरिटीज विल सी द मैटर एंड सम स्टेप्स measures will be adopted regarding the evil of dowry system। आप जरूरी नहीं ऐसे लिखने, ये तो मैंने तब लिखा क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर की हेल्प से अपना मैसेज कॉन्वे किया, तब आप इसको लिख सकते हैं। इट विल बी गुड, अच्छा होगा इफ यू पब्लिश दिस। पब्लिश दिस मतलब कि जो मैंने आपको लेटर भेजा है लिख के, वो आप किसमें करेंगे? आप पब्लिश करेंगे अपने न्यूज़पेपर में, और जब कंसर्न अथॉरिटीज होंगी वो उसको रीड करेंगी, डेफिनेटली दे विल टेक द नेसेसरी स्टेप्स। लिख दो, मेजर्स लिख दो, ठीक है। दे विल टेक द स्टेप्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं
कि दे विल सी द मैटर एंड सम स्टेप्स मेजर विल बी एडॉप्टेड रिगार्डिंग द इविल ऑफ डॉरी सिस्टम, या ऐसे लिख दो कि दे विल टेक द नेसेसरी स्टेप्स रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा थैंकिंग यू आ गया, देन यू आर सिंसियरली आ गया, देन आप जो भी होंगे वहां पे दिया होगा, जो सेंडर एड्रेस होगा उसमें मान लो आपको दिया है कि आपको वहां पे रिप्रेजेंट करना है कि आप जो हैं वो वहां पे एक्स वाई जेड हैं, एबीसी हैं, या कोई और नाम दिया जा सकता है वहां पे, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब एक और बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप थैंकिंग यू के बाद यहाँ पे योर सिंसियरली लिखा मैंने, लेकिन कुछ लोगों को ये भी रहता है कि यहां पे ऑविडेंटली क्यों नहीं लिखा, ठीक है। ऑविडेंटली भी लिख सकते थे, पूछ सकते हैं ना आप कि यहां पे सिंसियरली क्यों लिखा, फेथफुली क्यों लिखा, ऑविडेंटली क्यों नहीं लिखा, क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। जब भी आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तब आप सिंसियरली या फेथफुली ही लिखेंगे, कोशिश कीजिए फेथफुली लिखिए। ऑबिडेंटली को नहीं लिखने का भी एक रीजन है, क्योंकि ऑबिडेंटली जो वर्ड है ये कब यूज किया जाता है, जब हम छोटे छोटे होते थे हमने अपने प्रिंसिपल को लिखना था, मींस जब तक हम स्टूडेंट हैं तब तक हम ऑबिडेंटली लिखेंगे। और आप जब ये वाला लेटर लिख रहे हो ना बच्चे, तो यहां पे आपको एक स्टूडेंट एज्यूम नहीं किया गया है, एग्जामिनर ने आपको स्टूडेंट नहीं एज्यूम किया है, वहां पे आपको दिया है यू आर एक्स वाई जेड ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, तो आप यहां पे ऑविडेंटली वर्ड का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, या तो सिंसियरली लिख दो या तो फिर यहां पे फेथफुली लिखिए। ओके, नाउ आई विल टेक वन एग्जाम्पल। Insanitary condition has made life in your locality miserable. Write a letter to the sanitary inspector of your MC before it is too late. Sign yourself as Ravi Chopra of 26 Civil Line Solan. Question को आपने जरूर दो या तीन बार read करना है, क्योंकि मैंने आपको steps बता दिए कि आपके first five जो lines बन रही है letter में वो question से बन रही है। सबसे पहले यहाँ पे क्या ढूंढते हैं हम, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या लिखना है भाई, सेंडर्स एड्रेस लिखना है, तो देख लेते हैं यहाँ पे सेंडर कौन है। इनसैनिटरी कंडीशन हैज मेड लाइफ इन योर लोकैलिटी मिजरेबल, राइट अ लेटर टू द सैनिटरी इंस्पेक्टर। लेटर हमने किसको लिखना है, लेटर टू द, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, राइट अ लेटर टू द सैनिटरी इंस्पेक्टर, एडिटर को नहीं है, किसको है, सैनिटरी इंस्पेक्टर को। ये कौन हो गया हमारा रिसीवर एड्रेस, मिल गया हमें सैनिटरी इंस्पेक्टर को लिखना था, रिसीवर एड्रेस तो हमें मिल गया, ठीक है, ऑफ योर एमसी। अब एमसी क्या है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में एमसी लिख दिया है, ठीक है। रिक्वेस्टिंग हिम, हमने सैल्यूटेशन में क्या लिखना है, डियर सर, क्वेश्चन में गिवन है रिक्वेस्टिंग हिम कि जो इंस्पेक्टर है वो कौन है, मेल है, सैल्यूटेशन मिल गई। टू टेक नेसेसरी स्टेप्स बिफोर इट्स टू लेट, कि सैनिटरी इंस्पेक्टर को लेटर लिखिए कि हमारा एरिया का जो वो कंडीशन है वो बहुत ही मिजरेबल है, तो ऐसा ना हो कि ज्यादा देरी हो जाए, कुछ और ऐसा हो जाए, इससे पहले जो है वो आप काइंडली वहां पे आए, प्रॉब्लम को देखें और कुछ नेसेसरी स्टेप्स लें, ठीक है। साइन योर सेल्फ एज रवि चोपड़ा, यस, मैंने पहले भी बोला दो तीन बार आपने क्वेश्चन को जरूर रीड करना है, दिया है एग्जामिनर ने खुद ही कि आप अपने आप को क्या साइन करेंगे, नॉट अ स्टूडेंट, साइन योरसेल्फ, आप अपने आप को यहां पे क्या एज्यूम करके चलेंगे, आप रवि चोपड़ा हैं, कहां के, 26 सिविल लाइन सोलन के, समझ गए। तो हमें यहां से फाइव चीजें मिल गई, रिसीवर का एड्रेस भी मिल गया, सेंडर का एड्रेस भी मिल गया, हमें डेटेड हमें खुद ही पता है, सब्जेक्ट भी मिल गया, सब्जेक्ट क्या था, इनसैनिटरी कंडीशन मिल गया, समझ गए। तो करते इसको सॉल्व, देखिए आपका जो सेंडर्स एड्रेस था हमने देखा क्वेश्चन में 26 सिविल लाइन सोलन, देन डेटेड मैंने लाइन छोड़ दी यहां पे, मैंने यहां पे लाइन छोड़ दी,
मेरी डेटेड आ गई, मैंने फिर यहां पे लाइन को छोड़ दिया, फिर हमारा किसका एड्रेस आ गया यहां पे, रिसीवर्स एड्रेस आ गया दिया हुआ क्वेश्चन में। समझ गए, मैंने फिर से यहां पे एक लाइन छोड़ दी, सैल्यूटेशन आ गई, दिया हुआ हमें डियर सर, सब्जेक्ट आ गया इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ सिविल लाइंस। ठीक है, कितने हो गए मेरे वर्ड, फाइव हो गए, मैंने कितना बताया था, फोर टू सिक्स, सेवन तक हो सकता है, इससे ज्यादा इंक्रीज मत करना। अब मैं एडिटर को नहीं लिख रही हूं, किसको लिख रही हूं, डायरेक्टली इंस्पेक्टर को लिख रही हूं, तो मैंने पहले बताया आपको कि एडिटर को होगा तब हम लिखेंगे थ्रू, थ्रू वाला जो हमारा पैराग्राफ था, लेकिन यहां पे हम डायरेक्टली इंस्पेक्टर को लिख रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगी, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड द इंसेनेटरी कंडीशन ऑफ सिविल लाइंस ऑफ द सिटी। मेरा फर्स्ट पैराग्राफ जो था वो मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इतना तो लिख सकते हैं। देन कंटेंट आ जाएगा, इंसेनेटरी कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम है, वहां पे होल्स हैं, डस्टबिन प्रॉपरली नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम वहां पे नहीं है, वो सारा आप लिख दीजिए, फोर फाइव सेंटेंसेस में आप अपना पैराग्राफ सेकंड भी कंप्लीट कीजिए। लास्ट में मैंने बोला कंक्लूजन आएगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट आ गया, कंटेंट आ गया, आई होप यू विल टेक सुटेबल मेजर्स टू इंप्रूव द सैनिटरी कंडीशंस ऑफ दिस एरिया। क्वेश्चन सही हमने लिखा है ना, तो ये हमारा पैराग्राफ थर्ड आ गया। लास्ट में हमने इसको क्लोज करना है लेटर को, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, कौन थे हम, लिखा था वहां पे कि साइन योर सेल्फ रवि चोपड़ा, तो मैंने यहां पे रवि चोपड़ा लिखा, आप यहां पे अपना नाम नहीं लिखेंगे, अगर गिबन है पर्टिकुलर दिया है तो आपका वही नेम यहां पे आएगा। मान लीजिए कुछ भी नहीं दिया है तो आप फिर एक्स वाई जेड एबीसी कुछ भी लिख सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक अबाउट द लेटर, सो थैंक यू फॉर टुडे।